हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरजी टेक्स पे। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग। नॉर्मली मैंने इसे जो है अपने लोकल स्टोर से ख़रीदा है। अगर जो है इसकी बाय लिंक मुझे कहीं पे भी दिखती है लाइक अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक दे दूंगा, आप जो है वहां से जाकर इसे बाय कर सकते हैं या फिर आप अपने लोकल स्टोर में जाकर इसके खबर ले सकते हैं। तो इसका जो नाम है ये है वायरलेस स्पीकर और मॉडल नंबर जो है K31। और यहाँ पर जो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पर जो आपको स्टीरियो वायरलेस भी मिल जाता है, साथ साथ जो है यहाँ पर आपको स्पीकर फोन का भी फंक्शन मिल जाता है, यानी कि आपको इस पर इनबिल्ट माइक भी मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पर जो NFC का भी सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है ये प्योर म्यूज़िक, यानी कि आपको म्यूज़िक जो है काफ़ी नीड एंड क्लियर देगा। और यहाँ पर ये लॉन्ग लास्टिंग बैटरी दिया गया है। सामने की तरफ में जो है आपको 4 आवर प्ले टाइम दिया गया है, तो यानी कि इसका जो है बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साइज़ में मत जाइएगा, बैटरी बैकअप आपको जो है 4 घंटे का मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको सिंपल एंड ईजी की दिया गया है आपके ऑपरेटिंग के लिए। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग करना बड़ा ही सिंपल है, मैं इस पॉकेट को जैसे खोल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है आपके जो है इस स्पीकर को चार्ज करने के लिए, तो इसे साइड रख देते हैं। उसके बाद जो है आपको नॉर्मली स्पीकर मिल जाता है, बस बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बॉक्स को भी जो है साइड रख देते हैं। अब आते हैं स्पीकर के ऊपर, तो स्पीकर को जल्दी से मैं इस रैपर से निकाल लेता हूँ। तो स्पीकर की लुकिंग आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर जो है आपको बर्फ़ी जैसा जो है ग्रिल दिया गया है, यहाँ पर जो है नेट जो है वो बर्फ़ी जैसा है और ये बिल्कुल ही स्टील का नेट है। और यहाँ पर जो साइड में आपको जो है काफ़ी अच्छा वाइट कलर का जो है बॉर्डर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। नॉर्मली ये आपको बहुत से कलर में मिलते हैं, ब्लू रेड में भी मिलते हैं, तो मुझे व्हाइट कलर काफ़ी अच्छा लगा इसलिए मैंने व्हाइट लिया। ऊपर की तरफ मैं बात कर ले तो आपको ऊपर की तरफ में मिल जाता है 3 बटन, एक है जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड के लिए और एक जो है प्ले पॉज के लिए। और बैकवर्ड फॉरवर्ड बटन आपका वॉल्यूम बटन का भी काम करता है, आपको सिंपली प्रेस और होल्ड करके रखना पड़ेगा जिससे कि आपका वॉल्यूम अप होगा, और प्रेस एंड होल्ड करके रखिएगा जिससे कि आपका वॉल्यूम जो है डाउन होगा। अब आते हैं पीछे की तरफ में, तो पीछे की तरफ में आपको देखिए एक ऑन ऑफ बटन मिल जाता है और यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिल जाता है। आप अपने पिन ड्राइव को कनेक्ट करके जो है इसमें USB म्यूज़िक चला सकते हैं। और साथ साथ जो है यहाँ पर SD कार्ड का भी स्लॉट मिल जाता है, आप डायरेक्ट SD कार्ड को भी इंसर्ट करके जो है गाना प्ले कर सकते हैं। तो एक तरफ से ये जो है स्पीकर आपको लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा फील देता है। नीचे की तरफ में आपको जो है रबर स्लॉट मिलता है आपके स्पीकर को जो है ग्रिप देने के लिए। तो स्पीकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं जल्दी से जो है इसे अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेता हूं। तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फ़ोन के जो है ब्लूटूथ को ऑन करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली, तो मेरा ब्लूटूथ यहां पर ऑन है, मैं ब्लूटूथ पे सेक्शन में चल जाता हूं सिंपली। तो यहां पर देख सकते हैं मैं ब्लूटूथ सेक्शन में जैसे कि चल आया हूं, यहां पर जो है अब मैं स्पीकर के जो है पीछे की तरफ में ऑन कर देता हूं। यहां पर जैसे ही आप इसे ऑन कीजिएगा तो यहां पर देखिए ब्लू कलर का जो है लाइट ऑन होता है और यहाँ पर आपको जो है ब्लूटूथ मोड बता देता है और ये ब्लिंक करता है। ये तब तक ब्लिंक करता रहता है जब तक जो है आप ब्लूटूथ से अपने फ़ोन को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली कनेक्ट ले चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है ब्लिंक करना बंद कर दिया है। अब मैं जल्दी से जो है आपको इस स्पीकर की जो है म्यूज़िक क्वालिटी सुना देता हूँ, जो स्पीकर का साउंड कैसा आता है। तो आशा करते हैं आपको ये स्पीकर की जो है साउंड काफ़ी पसंद आई होगी। आपको नॉर्मली ये आपके लोकल स्टोर में हो सकता है मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है मैं फिर भी देखूंगा अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट में कहीं पे भी जो है इसका बाय लिंक मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे बाय कर सकते हैं। फिर भी आप जो है अपने लोकल स्टोर में इसे जाकर ढूंढ लीजिएगा, ये काफ़ी सस्ता काफ़ी चीप प्राइस में जो है ये ब्लूटूथ स्पीकर काफ़ी अच्छा है।
और अगर जो है नहीं मिलता है तो हो सकता है ये जो है अभी नया मार्केट में आया है, इसलिए जो है ये अभी ऑफलाइन में मिल रहा है, बाद में आपको चल के ऑनलाइन में मिलने लगे। तो जैसे ही मुझे ये मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा या फिर आपको मैं बता दूंगा। तो आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आरजे टेक्निकल्स।